बोथ आर कवर इन द सेम टाइम पीरियड। अब बताओ बेटा कि यहां पे स्पीड क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स 5 मीटर अप सॉरी 10 मीटर अपॉन 5 सेकेंड, मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? लेकिन यही वेलोसिटी की बात करें क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है और टाइम कितना होगा, कितना आएगा? 1.6 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा क्या कि स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड आया और वेलोसिटी क्या आया? 1.6 मीटर पर सेकेंड। आपने मैं क्या यहां पे दिखाना चाह रहा था कि देखो दोनों के लिए टाइम कॉमन है या नहीं है, लेकिन जो लेंथ मेजरिंग है वो बोथ आर डिफरेंट। लिख लो लिख लो लिख लो। सर ऊपर करो। हाँ बेटा, सर बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला नहीं का सर ऐसे कुछ? है फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आएगा। वही उसी फॉर्मूला पे टोटल 11th का क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको अभी नहीं समझ में आएगा इसलिए उसको नहीं बता रहा हूं। ओके सर। वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन आप नहीं जानते हो। प्रणवी बेटा, यस सर। कब नासिक आ रही है? पता नहीं सर। अच्छा, नासिक आने वाली थी ना? मतलब ट्रांसफर होने वाला था सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं। हाँ राजीव गांधी में हो आप? सर। चलो मैं रफ कर रहा हूं, लिखो वेलोसिटी। अब लिखे डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। लिखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ सर रिस्पेक्ट टू, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होल अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते, चेंज को ऐसे डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से और चेंज को डेल्टा से और टाइम को टी से, इसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? सर स्पीड डेल्टा, को भी से भी करते ना। हाँ स्पीड को भी से, स्पीड को भी से भी करते हैं और वी एस से भी करते हैं, वो डिपेंड करता है अपने सपोज कंडीशन पे। हो गया? यस सर। चलिए बढ़ते हैं। लिखिएगा टाइप्स ऑफ
वेलोसिटी कितने टाइप्स के होंगे? अगेन दो, वेलोसिटी कितने टाइप्स के होंगे? टू. कौन कौन? एवरेज, और इंस्टेंटेनियस. इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? ए बी जी वेलोसिटी, या ऐसे ब्रैकेट में दिस. इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? वी आई एन एस टी, मतलब वी इंस्टेंटेनियस. अब डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन क्या होगा एवरेज का? डिफिनीशन क्या होगा? सेम वही होगा यार. इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन टोटल टाइम टेकन. लिखिए एवरेज. It is defined as, it is defined as total displacement cover in total time taken. It is defined as total displacement cover in total time taken. Means average velocity equal to total displacement whole upon total time taken. हो गया सर. instantaneous velocity के नीचे के टोटल ए वी आई एन एस लिखे हैं, इसको इंडिकेट करते हैं. इसको वी वेलोसिटी और इसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं. हाँ. क्या मैं रफ करूं? हाँ सर. एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. सर मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम ही क्या? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे सेम है? एवरेज वेलोसिटी में क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है. और एवरेज स्पीड में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस होता है. कैसे सेम है? सेम हो सकता है क्या? नहीं सर. अब आगे लिखे इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस क्या? वेलोसिटी किसे कहेंगे? Instantaneous velocity the rate of change of displacement in a certain instant of time is called instantaneous speed. Good, good. सही बात है. लिखिए तो the rate of change of certain instant displacement of, sir. हाँ, the rate of change of displacement in certain instant of time. Is called क्या कहेंगे बेटा? Instantaneous velocity. वेलोसिटी. उसे क्या डेफिनेशन ऐसे आएगी क्या? क्या
इसके डेफिनेशन दूसरी आएगी क्या सर, मैं बताऊं क्या? बोलिए। द वेलोसिटी व्हिच इज इंस्टेंटली चेंज इन सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टेंटली चेंज का मतलब एक सर्टेन इंस्टेंट में, आप बोल सकते हैं ना, एकदम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? लिख लिए? यस सर। अभी तक हमने क्या क्या सीखा ये बताइए। स्पीड कितने टाइप्स के? दो। कौन कौन? एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आपको नहीं पता। वेलोसिटी कितने टाइप्स के? टू। कौन कौन? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर अपॉन टोटल टाइम। क्या लिख लिए? दो मिनट सर। सर बेटा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का एक ही सिंबल है ना वो? हाँ, यहाँ पे एवरेज स्पीड होता है या एवरेज वेलोसिटी है, इसको हम ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, मैंने अभी बताया था ऐसे। और सर एवरेज स्पीड को भी ना आप तो फिर ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब एवरेज होता। चलिए बढ़े आगे। अब मेरे को आगे बताइए, एक मैं एनालिसिस कर रहा हूं, बताइएगा। एक रोड है, ठीक है, यहां पे कोई गाड़ी है, यहां से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, यह पॉइंट्स है मान लिया दिया गया है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर। समझ में आ रहा है बेटा? यह रोड आप नहीं देखे हो, रोड पे चलते हो तो किलोमीटर नहीं दिया रहता है? अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। रोड पे चलते हो तो किलोमीटर बगल में दिया रहता है ना। आप मान लो यह टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड। यह गाड़ी चल रही है, क्या कर रही है? चल रही है। अब बताइए जब चल रही है गाड़ी कैसे चल रही है? 1 मीटर 1 सेकंड, 1 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रही है, 2 मीटर 2 सेकंड में कवर कर रही है, 3 मीटर 3 सेकंड में कवर कर रही है, 4 मीटर 4 सेकंड में कवर कर रही है, 5 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अब बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है या नहीं होता? सर। हाँ या ना? हाँ सर। अब आप बताना मेरे को कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा?
यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पे टाइम, वन सेकंड, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, टू मीटर, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पे, यहां पे, सिमिलरली दिस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यही ना आएगा, हाँ या ना? अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 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 एक वन मीटर कवर कर रहा है वन सेकंड में, टू मीटर कवर कर रहा है टू सेकंड में, थ्री मीटर कवर कर रहा है थ्री सेकंड में, फोर मीटर कवर कर रहा है फोर सेकंड में, फाइव मीटर कवर कर रहा है फाइव सेकंड में, तो एक कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या आएगा, बोलिए, वन मीटर पर सेकंड आएगा क्या? यस सर। अब आप बताओ मेरे को कि एवरी इंस्टेंट में, एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है इसका, सेम, वन 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 वन, कॉन्स्टेंट। आप क्या बोल सकते हो, सेम वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट, बोल सकते हो क्या, सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट बोल सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ। इस तरह के वेलोसिटी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट क्या होता है, बोलो, सेम सेम सेम, at every instant must be same, jaldi likhe to, likh liye, 2 minute sir, 2 minute sir, sir wo particle ke aage nahi ka kuch नीचे क्या, कहाँ पार्टिकल आ गया, यहाँ पे, अच्छा पार्टिकल, पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट मस्ट बी सेम, चलो रफ करूं, हाँ सर, एक मिनट, अब देखिए, तब बताइए इनफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, क्या होता है, क्या डिफिनेशन होगा, पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट मस्ट बी सेम, इन इनफॉर्म वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट मस्ट बी सेम, सेम, अब बताइए यह रोड है, यह गाड़ी है, चल रही है, यह भी रोड है, ये भी गाड़ी है, यह कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे चल रही है,
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हमने माना यह पॉइंट फर्स्ट है, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं फाइनल पॉइंट। यहां पे टाइम T1 और यहां पे टाइम T2, समझ में आ रहा है ना सबको या नहीं? गाड़ी आ रही होगी यहां पे, यहां तक कहीं से आने में इसको टाइम कितना लगा T1, और यहां से वहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा T2, समझ में आया क्या? यस सर। अब यहां पे स्पीड हमने माना U माना, और यहां पे स्पीड माना भी माना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा बच्चों को, U क्या है? चलो यहां पे हमने V1 माना, यहां पे V2 माना, अब समझ में आया नहीं आया? आया। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट इनिशियल, इनिशियल P बोल लो Q बोल लो जो बोलना है बोल लो ना। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट P, एंड V2 क्या है? वेलोसिटी एट ऑफ पार्टिकल एट Q। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट P, V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट Q। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। अब बताओ कि V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा, बता सकते हो? V1 और V2 इक्वल होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, समझ में आया? लिख लीजिए। क्या मैं बढ़ू प्रीतम? प्रीतम प्रीतम बेटा, प्रीतम प्रीतम बोल नहीं रहा रे, कौन है प्रीतम के नाम पे? चलो रब करो बेटा, रब करूं? हाँ सर। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब V2 माइनस V1, और इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो। क्यों जीरो? क्यों जीरो? क्योंकि यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हेंस इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज क्या होता है बेटा? जीरो। लिख लो। कल मैंने लिखाया नहीं था इलेवेंथ के बैच में, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा?
जीरो चलिए हो गया। हाँ सर, सर चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आपकी इच्छा है तो लिख लीजिए। हो गया। Yes, अब रह गया नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी, वहीं से आपको बहुत सारी चीजें डिफाइंड होगा। नॉन इनफॉर्म के बाद उसी से कोरिलेट होगा एक्सेलरेशन, फिर इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, वो सब चीजें वहीं से जाएगा। चलो फिर आज की सेवा समाप्त, बाय, टाइम खत्म। सर ये अभी तक काइनेमेटिक्स ही चल रहा है ना। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पूछ रहा था ऐसे। सीखो, सीखना ही है और क्या करना है, जितना सीख सकते हो। 8 बजे क्लास होगा ना? 8 बजे होगा ना भाई, वो क्लास कैसे रुक सकता है। सीखो, और जहां जहां आए हो रिलेटिव के यहाँ, यार तुम लोग बताते नहीं हो, मामा के यहाँ जाते हो बताते नहीं हो कि हाँ पांडवा सर हैं, पढ़ाते हैं।